यूपी उपचुनाव को लेकर थोड़ी देर में बैठक होनी है सीएम आवास पर। प्रभारी मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीएम आवास पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील शर्मा भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा मयंक किशोर, शरण सिंह, कपिल देव अग्रवाल भी पहुंचे हैं। राकेश सचान, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी पहुंच चुके हैं बैठक को लेकर। ये बड़ी अपडेट उस वक्त की मिल रही है। नीलेश चौहान जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नीलेश, फिलहाल वहां से क्या अपडेट, क्या तस्वीर नजर आ रही है, कौन कौन पहुंच चुका? और देखिए, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होना है उन्हीं तमाम विधानसभाओं से जुड़े हुए प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। और बैठक में अगर अभी तक की हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, चाहे वो राकेश सजान हो, ब्रजेश पाठक हो, कपिल देव अग्रवाल हो, मंकेश्वर शरण सिंह हो, तमाम मंत्रियों का मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचना लगातार जारी है। कुछ देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री आगामी उपचुनाव को लेकर जो प्रभारी मंत्री हैं, संगठन के लोग हैं, उनको जो है जरूरी दिशा निर्देश जारी करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे उपचुनाव में परफॉर्मेंस करनी है, किस तरीके से विधानसभा में जनता के बीच में जाना, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर यह बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई है जो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। फिलहाल जितने भी पदाधिकारी हैं वो जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद ही जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी, तो तमाम जिस तरीके से दिग्गज हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और क्योंकि आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर का और समय, लगभग कितना ये समय माना जाए, क्योंकि अब तो वहां पर सभी लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं, तो क्या लगता है कुछ मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी या थोड़ी और देर का इंतजार करना होगा? देखिए, बिल्कुल 11 बजे का समय था और मुख्यमंत्री समय के काफी पाबंद हैं क्योंकि एक दिन में उनके कई कई कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में जो 11 बजे का समय रखा गया था, 11 बजे से पहले ही जो प्रभारी मंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर बैठक शुरू हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सभी पार्टियां ये दिखाना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता उनके साथ है। तो ऐसे में जो पार्टी उपचुनाव जीतेगी वही कहीं ना कहीं 27 में बेहतर रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी और जनता एक बार फिर से उसको चुनने का काम करेगी। तो योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उन 9 विधानसभा सीटों की रूपरेखा कैसे तैयार की जाए, अभी तक क्या वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्या रणनीति संगठन की तरफ से बनाई गई है, प्रभारी मंत्रियों का अब वहां को लेकर क्या विवरण है, किस तरीके से उन्होंने जनता से ब्यौरा इकट्ठा किया है, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई है। और बैठक में जब मंत्री मौजूद रहेंगे तो मंत्री प्रभार वाले जिलों का ब्यौरा भी बताएंगे कि वहां पर सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में कितने प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा रहा है, जनता की और क्या आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं पर कैसे काम किया जा सकता है, संगठन किस तरीके से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहा है, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई है। और निलेश, ये महत्वपूर्ण बैठक इसीलिए भी है क्योंकि एक तरफ तो प्रत्याशी चयन के साथ जो चुनावी रणनीति है उस पर मंथन किया जाना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी को देखे, बसपा को देखे, तो कई सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अब जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति तय करेगी वो इसी के हिसाब से करेगी। देखिए, बिल्कुल, दूसरी पार्टियों से अलग हटके भारतीय जनता पार्टी हमेशा रणनीति बनाती है क्योंकि अभी तक जो है प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में जब आज बैठक होगी तो बैठक में क्षेत्रीय समीकरण को देखा जाएगा, जाति समीकरण को देखा जाएगा और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी कि जो ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं उस पर ओबीसी या एससी वर्ग के प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो लगातार पीडीए को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और संविधान को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो जनता के बीच में एक जो है रणनीति तैयार की, उसका फायदा मिला। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि ओबीसी वोटर्स और एससी वोटर्स उनसे दूर जाए। तो कहीं ना कहीं उन तमाम पहलुओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, और बैठक में ये मुद्दा जरूर उठाया जाएगा कि ओबीसी वर्ग के जो युवा वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं, उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए और उपचुनाव वाली सीटों पर कैसे ज्यादा से ज्यादा एससी और ओबीसी वोटर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। उन तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई जिन पर उपचुनाव होने हैं, बल्कि जो प्रभारी मंत्री हैं जाहिर सी बात है उनका कद भी इससे बढ़ेगा अगर यहाँ पर जीत प्रत्याशियों को मिलती है। निलेश, क्योंकि लगातार बैठक को लेकर अपडेट भी हम आगे आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी।